हेलो दोस्तों, मैं हूं निहारिका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मूंग दाल के चीले की रेसिपी। और मूंग दाल का जो चीला है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और गाइस, ये जो चीला है वो मैंने बिना तेल के बनाया है और ये पॉसिबल हो पाया है असाई कसाई के फ्राइंग पैन फॉइल की वजह से। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे छिलके वाली जो मूंग होती है, हरी मूंग, वो ली है। इसको मैंने पूरी रात भिगा के रख दिया था एंड इसके मैंने छिलके निकाल दिए हैं। थोड़े बहुत मैंने जो है छिलके रहने दिए हैं और अब मैं इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी। इसको हमें काफ़ी महीन ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने से पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली और 1 इंच के करीब मैंने जिंजर लिया है एंड थोड़ा सा पानी डाल के हमें जो है अपना मूंग दाल का मिक्सचर बनाना है। आप देख सकते हो ये वाली कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विडी आपको नहीं करना है। नाउ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप प्याज और मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हींग ऐड करी है एंड थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको रख दूंगी। मैं इस मिक्स को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रहने दूंगी। नाउ गाइस, हम मूंग दाल के चीले को बनाने वाले हैं असाई कसाई के फ्राइंग पैन फॉइल में। ये जो फ्राइंग पैन फॉइल है गाइस, इसमें आपको तेल का यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंड इसमें जो आर वाली साइड है वो आपको यूज़ करनी है। इसमें सिलिकॉन कोटिंग है जिसकी वजह से आपका खाना जो है बिल्कुल भी जो है चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे तवे पे इसको लगा दिया है मीडियम आँच पे। इसको गर्म करके मैं अपना जो मूंग दाल का मिक्सचर है उसको मैं स्प्रेड करूँगी। आप इसकी थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पतला, थोड़ा सा, हल्का सा, मोटा सा। आपको जैसा भी चीला बनाना है उस टाइप का आप चीला बना सकते हैं। आपका जो चीला है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आगे आप देखेंगे वीडियो में। तो मैंने इस तरह से इसको स्प्रेड कर दिया है एंड गाइस, आपको दोनों तरफ से आपको इसे अच्छे से कुक करना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड इसको जो है गोल्डन होने तक कुक करूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा चीला बनके रेडी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो बट मैं इसमें कुछ फिलिंग्स करना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर जो है वो हल्का सा फ्राई करके डाला है एंड इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ मैं। गाजर, थोड़ी सी मैंने प्याज और जो पत्ता गोभी होता है वो मैंने ऐड किया है एंड इस तरह से मैं इसको डोसे के जैसे फ्लिप कर दूंगी एंड थोड़ी देर के लिए हम इसे और सेकेंगे एंड हमारा जो चीला है वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे दही वाली चटनी जो है उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप चाहो तो इमली की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी झटपट हमारा ये चीला बन के रेडी हो चुका है और वो भी बिना तेल के। सो गाइज, आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।